गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित है, और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो मुहैया कराई जा रही है, उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको राजनीति विज्ञान का अध्ययन करा रहा हूँ, या राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। राजनीति विज्ञान के तहत हमने दूसरे पाठ में अधिकारों के बारे में पढ़ा था, और तीसरा पाठ है वो हमारे चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में है। हमने कल चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके दो कार्यों के बारे में पढ़ा था। तो भारत में निर्वाचन आयोग के क्या काम है, तो निर्वाचन आयोग क्या करता है बेटा, मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार करता है। समय समय पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें 18 वर्ष की आयु पार कर चुके बालक और बालिकाएं, बच्चे, बेटियां और बेटे हैं वो अपना नाम है वो उस सूची में दर्ज करा सकते हैं। तो मतदाता सूची को नया करने का काम की देखभाल करता है, पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूची में गलतियां न हो, गलतियों की कम से कम संभावना हो, और पंजीकृत मतदाता कोई छूट नहीं जाए, पंजीकृत मतदाता है कोई निकल नहीं जाए। जो पंजीकृत मतदाता है या नए मतदाता है उनको शामिल करना, और जो व्यक्ति मर चुके हैं या जिनकी डेथ हो चुकी है उन नामों को पुनः हटाना, और नए उसमें ऐसे लोगों के नाम हों जो मतदान के अयोग्य हों या जीवित न हों, तो ऐसे व्यक्तियों के जो मतदान के योग्य नहीं हैं, जो वोट नहीं डाल सकते या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों को उनके मतदाता सूची से उनको अलग करना। दूसरा है जो चुनाव आयोग है वो चुनाव का समय और चुनाव का पूरा कार्यक्रम, चुनाव का समय से लेकर चुनाव का पूरा कार्यक्रम है वो तय करता है, कब चुनाव होनी है, चुनाव की अधिघोषणा जिसके साथ आचार संहिता लगाना, चुनाव की घोषणा करना, नामांकन भरने की तारीख, नाम वापस लेने की तारीख, चुनाव कितने चरणों में होना है, अर्धसैनिक बलों की व्यवस्था, इसके अलावा पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था, मतदान की तिथियां, मतदान कितने चरणों में होना है, मतगणना कब होगी, कब रिजल्ट निकाले जाएंगे, और नई सरकार का गठन कब होगा, कब तक होगा, यह निर्वाचन आयोग के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया बच्चों कि चुनाव के समय और चुनाव का पूरा कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इसके अंतर्गत चुनाव की अधिघोषणा, चुनाव कब होनी है, नामांकन प्रक्रिया कब शुरू होनी है, उसकी तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणाम घोषित करने की तिथि है वो भी जारी करती है। तो चुनाव का समय चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय करता है। इस कार्यक्रम में कई बातें शामिल हैं, जैसे कि चुनाव की घोषणा कब करनी है, कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता कब लागू करनी है, नामांकन प्रक्रिया, क्योंकि चुनाव की उद्घोषणा के साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो नामांकन प्रक्रिया कब शुरू करनी है, मत या जो नामांकन भरने की तिथि, नाम या मतपत्र या नाम वापस लेने की तिथि, मतदान की तिथि, मतदान के कितने चरण हों, कब मतदान कराया जाए, उस राज्य में, उस देश में या उस राज्य में, क्षेत्र में कितने चरणों में चुनाव होने हों, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणाम की घोषणा तक, ये सारे कार्य हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा बेटा संपन्न करवाए जाते हैं। तीसरा, इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्णय लेने का अधिकार करता है। तो निर्वाचन आयोग है वो बेटा पूरे देश के लिए, किसी राज्य के लिए, किसी क्षेत्र के लिए, तो वह निर्वाचन आयोग पूरे देश, किसी राज्य,
या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर भी स्थगित या रद्द कर सकता है कि वहाँ पर माकूल माहौल नहीं है, अस्थिरता है, दंगे हैं या अशांति है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं, ऐसी स्थिति में वो चुनाव को रद्द कर सकता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उसके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करता है और चुनाव की घोषणा के साथ ही उस राज्य, देश, उस भाग, उस क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट है वो प्रभावी हो जाता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा देता है यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से उचित और न्यायपूर्ण नहीं थी, तो यदि कहीं धांधली हो, कहीं धांधली की शिकायत हो, कहीं मतपेटियां हैं, कहीं ईवीएम मशीन है वो खराब हो जाए या बंद हो जाए या हमला हो जाए मतगणना अधिकारियों पर या मतदाता, जो चुनाव कराने वाले पोलिंग एजेंट हैं या चुनाव कराने वाले अधिकारी हैं, ऐसी स्थिति में वह दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है। और यदि लगे कि मतगणना प्रक्रिया है, मतगणना की प्रक्रिया वो उचित नहीं हुई है, न्यायपूर्ण नहीं है, ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक हो गई है, ईवीएम गड़बड़ हो गई है, उम्मीदवारों के द्वारा ईवीएम को या जब्त कर लिया गया है या ईवीएम लेकर कोई भाग गया है, ऐसी स्थिति में उस बूथ पर, पोलिंग बूथ पर या उस क्षेत्र विशेष में चुनाव है वो रद्द करवा कर दोबारा चुनाव या दोबारा मतगणना कराने की आज्ञा है वो दी जाती है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, राष्ट्रीय दलों के लिए अलग है और क्षेत्रीय दलों के लिए अलग है। यहाँ तक कि जो राजनीतिक दल है उनको चुनाव चिन्ह, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही आवंटित किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, राष्ट्रीय दलों को मान्यता के लिए अलग क्राइटेरिया है और क्षेत्रीय दलों की मान्यता के लिए अलग क्राइटेरिया है। राष्ट्रीय दल है वो कितनी सीटें मिलने पर राष्ट्रीय दल माना जाएगा और कितनी सीटें मिलने पर उसे क्षेत्रीय दल माना जाएगा, ये क्राइटेरिया है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है और निर्वाचन आयोग ही चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। जैसे कि शुरुआत में जो कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वो दो बैलों की जोड़ी था, बाद में हाथ का निशान है वो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था, चुनाव चिन्ह बन गया। उसी प्रकार बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है, जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है वो सॉरी कमल है, और जो बसपा का, बहुजन समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह बेटा सॉरी बीजेपी का चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है और बसपा का चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। उसी प्रकार समाजवादी पार्टी है उसका जो चुनाव चिन्ह है वो साइकिल है। तो चुनाव चिन्ह है वो आवंटित करता है। निर्वाचन आयोग के पास बहुत ही सीमित कर्मचारी होते हैं, आपको पता है, तो निर्वाचन आयोग के पास बहुत ही सीमित कर्मचारी होते हैं, सीमित संख्या होती है, अतः प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव कराया जाता है। जो प्रशासनिक मशीनरी होती है, जो राज्य की मशीनरी होती है, वही चुनाव करवाते हैं। लेकिन एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो जितने भी राज्य के कर्मचारी हैं वो चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं। तो चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग का पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है, चाहे वो मशीनरी राज्य की हो चाहे केंद्र की हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि चुनाव चिन्ह आवंटित करना, बीजेपी का चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथी, चुनाव कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है वो हाथ, हाथी नहीं बेटा, बसपा का चुनाव चिन्ह है वो हाथी, समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो साइकिल, और अन्य पार्टियों के जो चुनाव चिन्ह है वो अलग अलग है। जैसे कांग्रेस का हाथ, बसपा का हाथी, बीजेपी का कमल का फूल, समाजवादी पार्टी का है वो साइकिल है वो चुनाव चिन्ह। ये सभी चुनाव चिन्ह बेटा वो आवंटित कौन करता है? चुनाव आयोग। तो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग है उसके पास बहुत सीमित कर्मचारी होते हैं, वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव कराता है। लेकिन एक बार प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू हो जाए, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो जो राज्य के जो अधिकारी होते हैं वो सीधे निर्वाचन आयोग के अधीन आ जाते हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र के प्रशासनिक अधिकारी का चुनाव संबंधी कार्य दिए जाते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो राज्य के कर्मचारी हैं बेटा
और जो केंद्र के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मिलकर चुनाव संबंधी कार्य करते हैं। इस संबंध में निर्वाचन आयोग पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का तबादला कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है और तबादलों पर रोक भी लगा सकता है। अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में विफल हो तो आयोग उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई है वो कर सकता है। तो अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करे इसके लिए आयोग उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। हमारे देश में कुछ राष्ट्रीय दल है, क्षेत्रीय दल है। तो राष्ट्रीय दल है उनकी संख्या वो उसकी संख्या में कम या ज़्यादा बढ़ोतरी या कमी होती रहती है, वो उस बात पर निर्भर करता है। तो जैसे कि जो अलग अलग दल हैं उनके चिन्ह हैं वो भी आवंटित करती है। जैसे कि अनेक दल है, जैसे कि अभी जनता दल यूनाइटेड उसका जो चुनाव चिन्ह है वो तीर का निशान है। राजद है उसका जो चुनाव चिन्ह है वो लालटेन है। शिवसेना जो महाराष्ट्र की पार्टी उसका चुनाव चिन्ह है वो धनुष और बाण है। इस प्रकार पंजाब में अकाली दल है उसका चुनाव चिन्ह है वो एक तरीके से हम जिसे हम कहते हैं पुराने जो बाट और जो नापने के लिए जो नापतोल की जो इकाई होती थी, जो बाट होता था और जो कांटा होता था, कांटा और बाट है वो हमारे अकाली दल का चुनाव चिन्ह है। इसी प्रकार जो अन्य दल हैं उनका चुनाव चिन्ह है वो अलग अलग हैं। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है CPM है उसका चुनाव चिन्ह है वो हसिया और हथौड़ा है, हसिया और हथौड़ा है। तो इस प्रकार के जो क्षेत्रीय दल हैं राष्ट्रीय दल हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी जिसका चिन्ह है वो कमल का फूल, कांग्रेस उसका चिन्ह है वो हाथ, बसपा है उसका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी, समाजवादी पार्टी है इसका जो चुनाव चिन्ह है वो साइकिल है। तो ये अधिकारी हैं चुनाव आयोग के तहत जो अधिकारी हैं, केंद्रीय अधिकारी और प्रांतीय अधिकारी हैं वो मिलकर काम करते हैं। विगत कुछ वर्षों में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था के रूप में उभरा है। उसने चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चितता निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। इसे चुनावी प्रक्रिया की गरिमा है वो बनी रहती है और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से काम किया जाता है। निर्वाचन आयोग का इतिहास इस बात का गवाह है कि जो संस्थाओं की कार्य प्रणाली में प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी और संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक नहीं है। ये एक आम धारणा है कि 25 वर्ष से पहले के मुकाबले आज के जो 25 वर्ष के जो पहले के मुकाबले होते थे चुनावी मुकाबले, आज जो चुनाव आयोग है निर्वाचन आयोग वो ज़्यादा स्वतंत्र है, ज़्यादा पारदर्शी है, ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा शक्तिशाली है। ऐसा इसलिए नहीं है कि निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ और संवैधानिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बल्कि निर्वाचन आयोग न केवल उन शक्तियों का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करता है जो उसे संविधान के अनुसार उसे प्राप्त होती है। तो आज से हम 25 वर्ष पहले का जो चुनाव आयोग देखते हैं और वर्तमान में जो चुनाव आयोग देखते हैं उसकी शक्तियों के में, उसके कार्यों में, उसकी प्रभाविता में पहले की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली हुई है। निर्वाचन आयोग का इतिहास है वो इस बात का गवाह है कि संस्थाओं की कार्य प्रणाली में प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी और संवैधानिक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। आज से जो 25 साल पहले जो चुनाव होते थे उसके मुकाबले जो आज जो निर्वाचन आयोग वो ज़्यादा स्वतंत्र है, ज़्यादा पारदर्शी है, ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा स्वतंत्र है। इसलिए ऐसा नहीं है कि निर्वाचन आयोग की उस शक्तियाँ को बढ़ा दिया गया है, शक्तियाँ तो वही है लेकिन उनको अधिक पारदर्शी, उनको अधिक संवैधानिक दर्जा मिलने के कारण। दरअसल चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग ने नहीं केवल उसकी शक्तियाँ बढ़ी है बेटा, बल्कि उसे संविधान से पहले जो प्राप्त हुई थी वही शक्तियाँ हैं, लेकिन उन शक्तियों में प्रभावशाली ढंग से उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। शक्तियाँ तो वही है लेकिन निर्वाचन आयोग ने उन बढ़ी हुई शक्तियों या अपनी जो शक्तियाँ मिली हुई उनको प्रभावशाली ढंग से और बढ़े हुए रूप में उनका प्रयोग है उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आज मैंने आपको निर्वाचन आयोग के बारे में बेटा बताया है, उसके बारे में आपको मैंने 5 या 4 कार्य बताए थे। मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव की पूरा कार्यक्रम तय करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना संबंधी कार्य करता है। तो निर्वाचन आयोग है वो विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को मान्यता देता है। हमारे देश में 6 या 7 राष्ट्रीय दल हैं, इसके अलावा कई सारे क्षेत्रीय दल हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं। पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र में, तेलंगाना में, उड़ीसा में बीजू जनता दल जिसका चुनाव चिन्ह है वो शंख का निशान है। तो
अलग जो अलग जो दल हैं, अलग अलग जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके लिए क्राइटेरिया अलग है, राष्ट्रीय दलों के लिए क्राइटेरिया अलग है। उनको एक निर्धारित वोट प्राप्त करना जरूरी होता है, इसके अलावा उन्हें निर्धारित सीटें प्राप्त करना जरूरी होता है। इसी के आधार पर उन्हें क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल का दर्जा है वो मिलता है। तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की संख्या में कमी और बढ़ोतरी है उनको प्राप्त होने वाले वोट और मिलने वाली सीटों पर निर्भर है वो करता है। तो निर्वाचन आयोग बेटा राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। राष्ट्रीय दलों के अंतर्गत बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, अब वो क्षेत्रीय दल बनकर रह गई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, ये पांच या छह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार वाली, इसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। तो इनका जो चुनाव चिन्ह है वो घड़ी है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह है वो फूल है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है वो हाथ है, बसपा का चुनाव चिन्ह है वो हाथी है, और समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो साइकिल है। तो विभिन्न चुनाव चिन्हों को आवंटित करना, चुनावों का निष्पक्ष संपादन करना, निर्वाचन आयोग की भूमिका वो पारदर्शी है, निष्पक्ष है और प्रभावी ढंग से वो अपना काम कर रही है। पिछले 25 वर्षों के दौरान जब से ईवीएम का मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ है तो चुनाव आयोग ने अधिक प्रभावशाली ढंग से, अधिक शक्तिशाली ढंग से अपनी शक्तियों का प्रयोग है वो शुरू कर दिया है। तो मैंने आपको जो पढ़ाया बेटा उसको आपको लिखना है, याद करना है, समझना है बेटा, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।